हाइड्रोग्रीन हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में तो आप लोगों को सर ने बता ही दिया होगा। वी कैन कल्टीवेट सोइल लेस फार्मिंग, वी कैन ग्रो प्लांट विदाउट सोइल एंड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, इन दिस पीपीटी वी रीड डिफरेंट टॉपिक्स लाइक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, हाउ टू प्रोटेक्ट क्रॉप, हाउ टू बैलेंस द न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वी हियर सीन अ करंट स्टेटस, व्हाट करंट स्टेटस एंड व्हाट स्टेज इन विच प्लांट इज ग्रोइंग दी इन दी हाइड्रोपोनिक्स। थर्ड इज हाइड्रोपोनिक, फोर्थ इज द बेनिफिट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एंड फिफ्थ मीडिया एंड सिक्स क्रॉप ऑफ न्यूट्रिशन। In this PPT, we will discuss all points. So first is protected farming. Protective cultivation means growing in an environment where several environment factors control according to the crop requirement. This factor include water, light, humidity, temperature, soil and moisture. Okay, so Phil, we can understand easily if we grow crop in open environment, we seen attack different insects, we face different hazardous climatic conditions on the soils. So if we grow crop in hydroponics, we will manage all the all this problem. So we use here in protective farming. Current status. If we talk about in India population 1,428,627,683, it is a large, huge population. If we think about it in deeply, so how to give a better opportunities to the farmers? How to give better food to the humans? So we work in the hydroponics. In order to cater our country's food needs, the country needs to focus on increasing food productivity. So, अब थोड़ा हिंदी में भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है हमारी कंट्री में, मतलब फूड्स की डिमांड आ रही है। आप देखते हैं कि फार्मर्स जो है डिफरेंट प्लेस पर और अच्छी अपनी क्रॉप्स को लगाता है, ग्रो करता है, बट क्या होता है अभी इंसेक्ट्स का इतना ज्यादा हम लोग को अटैक देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग के हम लोगों को दिख रहा है कि फंजीसाइड्स का कितना, फंगस की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नेमेटोड्स आ गए, और फिर इससे भी बचकर चले जाती है हमारी फार्मिंग, तो हम लोग को जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ता है। तो फिर इसीलिए जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी को सोचा गया, उसको प्रैक्टिस करी गई, तो फिर हमारी जो है हाइड्रोपोनिक्स बनी। हम हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात करें कंपेरिजन टू अपनी नेचुरल फार्मिंग पे, तो हम उससे ज्यादा अर्निंग ले सकते हैं कंपैरिजन टू हाइड्रो नॉर्मल कल्टीवेशन फील्ड्स। हियर यू सीन द अबाउट हाइड्रोपोनिक्स लाइक एक्वाकल्चर, न्यूट्रीकल्चर, सॉइललेस कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स जनरली स्टार्टेड इन एक्वाकल्चर एज वेल एज एंड एयर कंडीशंस एंड विथ न्यूट्रीकल्चर। वी कैन से सॉइललेस कल्चर और टैंक फार्मिंग, बिकॉज वी फिल न्यूट्रिशन इन द टैंक। हाइड्रोग्रीन मोस्टली हम समझ सकते हैं, जो हाइड्रोग्रीन चल रहा है उस पर फोकस कर रहा है हाइड्रोग्रीन, जो है हमारा हाइड्रोपोनिक्स, कैसे हम डिमांड्स को क्रिएट जो हो रही है फूड की और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे एक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक अच्छी ग्रोथ हम जो है प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ हम जो है हम दे सकें पौधे को और बिना कुछ नुकसान के। तो इसीलिए हाइड्रो ग्रीन ने ये वर्क अपना करा है इसमें। तो इसमें मेनली फोकस कर रहे हैं सर हाई यील्ड आए, ज्यादा से ज्यादा ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो और हमारी जो जनरेशन है उस पर फोकस करें। हाइड्रोपोनिक्स आप वर्ड से समझ ही पा रहे हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर और पोनिक्स मतलब वर्किंग। हाइड्रोपोनिक्स असल में वर्क करता है वाटर पे। वाटर में हम लोग डिजोल्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को हम एक बैलेंस करके उसको जो पाइपलाइंस होती हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स हम लोग उसको वाटर के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, सेफ सॉइल एंड वाटर। इफ वी टॉक अबाउट जनरली कल्टिवेशन इन दी
वी सीन डैमेजिंग सोइल बिकॉज वी हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर. वी यूज हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज केमिकल फर्टिलाइजर मोस्टली यूज इन इंडिया. दे डैमेज मोस्टली. एंड सेकेंड थिंग वाटर. इफ वी कंपेयर टू नॉर्मल कल्टिवेशन इन हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन, नॉर्मल कल्टिवेशन में जो रहता है पानी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है. तो कहीं कहीं अभी मोस्टली इफ वी टॉक अबाउट इंडिया तो 80% 70% अप्रोक्स जो हमें वाटर की स्कैरसिटी देखने के लिए मिल रही है. तो वहां पर हाइड्रोपोनिक्स एक ज्यादा काम कर रही है जहां पर वाटर की स्कैरसिटी है. लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं जिससे कि कम पानी में जो है एक अच्छी क्रॉप जो है हम लोग को मिल पाए. फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स अ माइक्रो क्लाइमेट. आप देखते होंगे कि जब क्रॉप लगती है नॉर्मली तो डैमेजिंग हो जाती है क्योंकि अगर ठंड ज्यादा है या चिलिंग इंजरी हो जाती है, हॉट इंजरी हो जाती है, टेम्परेचर का इम्बेलेंस हो जाता है तो बहुत ज्यादा मतलब क्रॉप को इफेक्ट करता है. फिर उसकी जो फार्मर्स की जो पूरी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हो जाता है पूरा डैमेज हो जाता है, उसको कुछ मिल नहीं पाता है. तो हमें एक अच्छा क्लाइमेट भी मिल पाता है जिससे कि हम पौधे की जो है ग्रोथ कर पाते हैं. प्रेडिक्टिबिलिटी एंड सेसिलिटी. जब हम ग्रो करते हैं मोस्टली इन हाइड्रोपोनिक्स तो हमें एक प्रेडिक्टिबिलिटी रहती है कि हाँ हम टाइम टू टाइम उसको कैसे मैनेज करना है क्योंकि अंडर कंट्रोल है सारी चीजें और ओपन फील्ड में अंडर कंट्रोल नहीं होता है. तो हमें एक प्रेडिक्टिबिलिटी भी हम इसमें अप्लाई करते हैं जिसका हमें बेनिफिट मिलता है. क्रॉप ग्रो फास्टर इफ वी यूज हाइड्रोपोनिक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो इन हाइड्रोपोनिक्स. तो जो क्रॉप्स होती है उसकी जो ग्रोथ रेट रहता है वो फास्टर्स रहता है. वो इसलिए फास्टर ग्रोथ रहता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितनी प्लांट्स को नीड होती है उसी की ही नीड के अकॉर्डिंग उसको प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड होते हैं. अब उसको जैसे हम लोग इसमें आगे भी अभी देखेंगे कि चेंसी जब होते हैं तो प्लांट शो कर देता है. जब शो कर देता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है वो हम प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड. अभी टॉक अबाउट नॉर्मल लैंड फार्मर्स स्प्रेड हाईली डोज ऑफ फर्टिलाइजर बट प्लांट्स नीड स्मॉल अमाउंट फर्टिलाइजर बट फार्मर्स गिव मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर. यू स्टडी इन ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो काफी चीजें हो जाती हैं जो अंडर अंडर जो फील्ड में जो कंट्रोल नहीं होता है उसमें फार्मर को फेस करना पड़ती है. बट जो अपना हाइड्रोपोनिक्स है इसमें ये चीजें हम लोग को फेस नहीं करना पड़ती है. प्रोड्यूस हाइगर ईल्ड. हाइगर ईल्ड से जो कंपैरिजन एक हम लोग की जो बुक्स हैं हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें एकड़ में जो यील्ड उसको हम चेक करते हैं. बट हाइड्रोपोनिक्स में क्या देखा गया है जब इसको ग्रो कराया गया तो कंपैरिजन टू जो हम गार्डन में ग्रो कर रहे हैं उससे यील्ड बहुत ज्यादा मिल रही है हम लोग को. तो इसका बहुत बेनिफिट मिला. इसीलिए जो हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम है वो स्प्रेड होता चला गया ऑल ओवर कंट्री. लोग इसको एडॉप्ट करने लगे. रिक्वायर्स लेस लेवर. यहाँ हम समझ सकते हैं जो रिक्वायरमेंट रहेगी लेस लेबर की रहेगी. बट हाइड्रोपोनिक्स का क्या है जो टीम रहती है उसमें टेक्निकल लोगों की जरूरत रहेगी. जो लोग हाइड्रोपोनिक्स के बारे में न्यूट्रिएंट्स के बारे में ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीएच के बारे में जो जानते हैं कितना देना है तो हम लोग को यहाँ पे एक फायदा तो है बट लेस लेबर हम लोग की यूज हो रही है. बट दूसरी जगह हाइड्रोपोनिक्स में टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ती है जो कि उसको बैलेंस कर सके. बट आज के टाइम अगर हम कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेशियो देखें तो लेबर का भी अभी कम ही मिल पा रही है क्योंकि वो लोग जो है टेक्निकल चीजों की तरफ जा रहे हैं. तो अच्छी अच्छा ही है हाइड्रोपोनिक्स के लिए. उसमें लेस लेबर लगती है तो एक प्लस पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स के लिए. ये मीडिया फॉर हाइड्रोपोनिक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स में जो मीडिया यूज करते हैं जिससे आपको कोको एयर्ट क्ले बॉल वर्मी कोलाइट परलाइट जो डिफरेंट मीडिया है इनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड्स. इसको हम लगाते हैं और हर किसी का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है ग्रो करने का. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? थोड़ी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है? नहीं सही है. ओके हेलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग वेल और नॉट? यस यस सर. ओके वो कथा अच्छी आ रही है.
स्पीक अगेन, व्हाट यू से? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. ओके 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 ओके, बिकॉज हेयर आई थिंक आई यूज टू बोथ मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज सम स्टूडेंट्स से सर यू शुड स्पीक इन हिंदी, बट आई विल मैनेज. ओके, आई विल गिव माई बेस्ट. हेयर यू सीन एरोपोनिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम लाइक एरोपोनिक्स, डीप वाटर कल्चर, ड्रिप सिस्टम, न्यूट्रिएंट फिल्म टैपिंग. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. वी सजेस्ट अकॉर्डिंग टू place which is easily suitable, those system we can suggest those person which is used to this system like hydroponics. Different types of hydroponics like you see NFT, DWC, wave flood drain, aeroponics. If we talk about NFT, hydroponic system, constantly flow water passed off the root of the plants in the system. Think of the NFT system, artificial version, natural phenomena. Here you well understand by this figure. This is NFT system. Here you seen water flow constantly. Here is use pump to uplift the water to give the media to the plant, and secondly you seen upper lip part is moved downward because the water flow easily, and you can better understand this flow is going on cycle wise. तो ये सिस्टम है पूरा साइकिल से चल रहा है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं. तो ये भी एक एनएफटी का सिस्टम है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में ये डिसॉल्व भी हो जाते हैं और प्लांट्स को इजीली मिल भी पाते हैं. और ये जो वाटर पंप है वो मोस्टली हेयर वाटर पंप यूज फॉर डिसॉल्व दी न्यूट्रेंट, एंड एयर पंप ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज इफ वी डू नॉट यूज एयर पंप द मिक्सचर ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट सिट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द टब. If we use air pump, they regulate and mix well the nutrients in the water. So here the use of air pump is more valuable. Okay, ये जो pump air pump दे रखा है, इसमें जो air इसको water में जा रही है, इससे क्या होता है, जो हमारे nutrients होते हैं वो dissolved form में रहते हैं. अगर ये air pump नहीं हो तो ये जो tub है नीचे, तो इस पर जो क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होंगे वो डिसॉल्व फॉर्म में आके फिर उनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, हाई होता है, तो सरफेस पे एक तरीके से एक लेयर टाइप की बना लेते हैं. तो इसलिए हम एयर पंप यूज करते हैं. ये वाटर रेगुलेट कंटिन्यूस होता रहता है, इससे कि मीडियम भी हमें ज्यादा दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है. हियर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम. डीप वाटर कल्चर, डीप वाटर कल्चर द सिस्टम ऑफ प्लांट रूट ग्रोथ अंडर द solution. Here you see water flowing continuously, but in the second PPT you see the root of the plant dip on the solution. They continuously snatch the nutrients as well as their requirement. जितनी इस पौधे को या plants को requirement होती है, वो इसमें से जो tub है उसमें जो roots होती है, इस culture की जो plants की roots होती है वो tub में ही पड़ी रहती है. मतलब जो tank है या solution, nutrient solution जो हम provide करवा रहे हैं वो उसमें ही पड़ी रहती है, उससे अपने जो न्यूट्रिएंट्स जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो लेती रहती है. इसमें वाटर फ्लो नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा हमारा इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या उसका जो हमारी कॉस्ट होती है वो सेव हो जाती है. हेयर इज विक सिस्टम. विक सिस्टम, यहाँ पे थोड़े स्पॉन्ज वगैरह लगाए जाते हैं, स्पंज लगाई जाती है. ये भी वैसे ही काम करता है. मतलब आप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड ईच सिस्टम रेगुलेट द साइकिलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट मतलब आप न्यूट्रिएंट्स जो पाइपलाइन से प्लांट्स को जा रहा है, प्लांट से फिर जो न्यूट्रिएंट्स है टब में आ रहा है, टब से फिर आपका प्लांट्स प्लांट्स में जा रहा है, प्लांट से जो है टब में आ रहा है. तो एक तरीके से साइकिल्स चलती रहती है जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है न्यूट्रिएंट्स का भी, और प्लांट्स को भी उनके अकॉर्डिंग की नीड्स मिलती रहती है. और टाइम टू टाइम हम न्यूट्रिएंट्स को चेक करते रहते हैं कितनी डिफिशियंसी है, उतना हम सॉल्यूशन उसमें ऐड कर देते हैं. ये ऐब एंड फ्लो सिस्टम है, ये भी वर्क कर रहा है, पर ये इसमें जो थोड़ा रहता है स्प्रिंकलर टाइप का मारता है, इसमें जो वाटर होता है वो ड्रिप फॉर्म में करता है. एरोपोनिक सिस्टम,
एयरोपोनिक सिस्टम एंड हाइड्रोपोनिक सिस्टम देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. इफ वी टॉक अबाउट एयरोपोनिक सिस्टम, द रूट्स ऑफ द प्लांट हैंगिंग इन द एयर, एंड द हाइड्रोपोनिक्स वेयर प्लांट ग्रो इन द रूट्स डैंगलिंग इन द एयर मिस्टिंग सिस्टम बिलो द प्लांट्स द पेरियोडिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर. Here we understand the plant's roots hanging in the air, and the beneath of the root system, the pipeline, the drip system like spray to the roots. So roots easily take the nutrient from the sprayer and easily grow. जो aeroponic system है मैं ये कह रहा है, जो हमारे जो रूट्स होती हैं वो हैंगिंग रहती है, एयर में रहती है, बट जो हमारा स्प्रिंकलर फॉर्म में इसमें दिया जाता है, एक एक अमाउंट में एक प्रेशर रहता है जिससे कि हमारी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो स्प्रिंकलर है वो रूट्स तक पड़े और इजीली जो प्लांट्स है वो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ग्रोथ में ले ले. हाइड्रोग्रीन डील्स करता है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में, ठीक है. अभी आपको बताते हैं कैसे करता है. प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन से हम समझ सकते हैं कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन जो हमारा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है. अगर हम इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल कल्टीवेशन विच वी ग्रो क्रॉप इन द लैंड, हेयर एवरीथिंग इज ओपन, सब कुछ खुला हुआ होता है. हम सीड्स डालते हैं तो पता चलता है कि जो हमने सीड्स डाला है उसमें फंगस है, तो वो ग्रो नहीं हो पाया. अब वो ग्रो भी हो गया तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी बन गई जिसमें कि हमारी फंगस ग्रो हो गई. अब फंगस भी नहीं लगी तो हमारे प्लांट्स ग्रो हुआ, पता चला हमारी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल कल्टीवेशन होती है, जो लैंड होती है, उसमें हम अपना जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें चेक नहीं कर पाते, तो उसमें न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ जाती है. अब थोड़ा और प्लांट्स ग्रो करता है, ठीक है, तो फिर उस पर फ्लावरिंग वगैरह आती है, तो फिर उस पर इंसेक्ट अटैक करता है, इंसेक्ट से बच जाता है. जब हार्वेस्टिंग स्टेज आती है उसकी, तो उसमें जो रेन वगैरह हो जाती है, हाई विंड चल जाती है, तो उससे जो है लॉगिंग हो जाती है. तो अगर हम अपने इसकी हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल इसके सारे जो इसके नेगेटिव पॉइंट है और वी टॉक अबाउट इन हाइड्रोपोनिक्स, ये सारे जो है प्लस पॉइंट हो जाएंगे. आपका जो सीड ग्रो हो, सीड जो है एक मीडियम में ग्रो करे जाएगा. सीड ग्रो होने के बाद में आपका जो ग्रोथ होती है, आपको फिर उसको मीडियम में डाल दिया जाएगा. जब सीड ग्रो हुआ तो हमारा पैथोजन से बचा, फंगस से बचा, इजीली ग्रो हुआ हमारा सीड, ठीक है. और सीड की जो श्योरिटी रहती है हाइड्रोग्रीन्स में ग्रो होने की, वो आपकी वी कैन से 99% रहती है, बट जो हमारे जो नॉर्मल लैंड पर हम लोग जो ग्रो करते हैं उसकी रहती है 95%. वो भी डिपेंड रहता है उसकी फिजिकल कंडीशन पर, और जो हमारी हाइड्रोग्रीन से इसका हमारी सारी कंडीशन उसकी कंट्रोल होती है. पीएच रेंज फॉर हाइड्रोपोनिकली ग्रोन, मोस्टली जो क्रॉप ग्रो करे जाती है हाइड्रोपोनिक्स, उनकी जो रेंज होती है वो 5.5 एंड 6 के लेवल में होती है मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं. और जो इसका ईसी लेवल होता है वो 1.2 ओईसी रखा जाता है, मतलब ईसी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये हाइड्रोग्रीन्स जो काम कर रही है अभी, इसके पॉली हाउस प्रोजेक्ट्स हैं, पॉली हाउस प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं हमारे पॉली हाउस में, तो मतलब सॉइल के साथ में हमारी जो क्रॉप ग्रोथ होती है. अपना हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट हो गया, अपना मशरूम कल्टीवेशन भी हो रहा है, स्मार्ट फार्मिंग भी हो रही है. स्मार्ट फार्मिंग में बिल्कुल टेक्निकली जो अपने वेदर कंडीशंस हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कब मतलब रेन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ओके. There are different types of projects which is run by hydrogreens like poly house hydrogreens project and mushroom cultivation and smart farming. Mostly in the hydroponics we grow vegetables like lettuce, cabbage and flowers. Okay, it requires cool temperature. Different types of crops need different types of climate, different types of nutrients and different types of media. Here you see different types of media. If we grow any crop, first of all we focus which type of medium this plants need.
according to plants, we select the media and we will grow in the hydroponics. Each crops have own duration periods. Okay, like lettuce grow in within 30 days or less. Like spinach, here mostly we can say the in the vegetables crop, mostly in the hydroponics growing leafy crops like spinach. But here you seen also so four to five seed per hole, so you have at least one healthy plant. Here one thing more we should understand, we will grow in the medium 2 to 3 plants, because here we grow 2 to 3 plants, hence we will choose healthy plant. You can think if we sow 3 plants, the growth of 3 plants not equal height, different types of leaf size, different types of root size. So here we have choice, we can select a healthy plant for the growing hydroponics. If we select healthy plant, so we will get a better result comparison to select a bad plant. Here is a different other leafy vegetable like kale. You read here the best part of about kale, everything is here is shown. Basil, it gives the ideal conditions crop. And because I say previously, because every crops have own time, because it depends on crop. According to crop, maybe long duration and short duration. So if we grow basil, so we can take this yield of this crop in 28 days and less. Here is other crop, microgreens, because this is small plant, mostly person like those food which is healthiest and more nutritious. Like we give here is other example, like mushroom mostly used for mushroom mostly used for high nutrient purpose. Here you can see this example, these microgreens give highly nutrition to the person. So we grow according to demands in the hydroponics. Baby leaves, okay. So here we seen easily difference soil agriculture average per acre and hydroponics agriculture average per acre. आप लोग इसको देख सकते हैं कितना difference आ रहा है, हम normal agriculture से हम plants को grow कर रहे हैं और एक हमारा जो है hydroponics. First we talk about lettuce. If we farmers grow in soil normal soils, they got 9 to 10 tons, but same crop grow in the hydroponics, they got 300 to 400 tons. You can think huge difference in the soil agriculture and hydroponics agriculture. So we can understand how much beneficial to us hydroponics. Okay, there are this the same example like strawberry 20 to 25 tons, 50 tons, cucumber. Here we grow normal soil lands, so we got 15 to 20 tons. Here is same in 200 tons. So we can say the hydroponics is a more beneficial technique which is used present era. तो आप लोगों को थोड़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है. मोस्टली इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी गिव टू द प्लांट्स, इफ यू स्टूडेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर यू नो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, द नीड ऑफ द प्लांट of macronutrient is large because its name is macronutrients, and other nutrients we listed in micronutrients like iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum and nickel. These micronutrients need in small amount of the plant. So
तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ज्यादा अमाउंट में पौधे को चाहिए होते हैं तो उन्हें लार्ज अमाउंट में दिया जाता है, और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, इनको जो है स्मॉल अमाउंट की नीड होती है प्लांट्स को, तो हम स्मॉल अमाउंट में उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट हाउ टू सीन द प्लांट इज डिफेक्टेड, बिकॉज जब हम जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इन हाइड्रोपोनिक्स में, तो उसमें कैसे पता चलता है, कैसे डिफिशियंसी पता चलती है, तो उसके सिम्टम्स होते हैं। इफ वी गिव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम, प्लांट्स सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी ऑन एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इफ वी सीन If the deficiency in the deficiency of nitrogen in the plant, the symptoms of the nitrogen deficiency you will analyze on older leaves. Older leaves turn pale or yellow like chlorosis starting from the bottom of the plant and overall growth may be stunted. जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है वो हमारे जो सबसे लोअर पार्ट होता है उस पर देखी जाती है, और ओवरऑल प्लांट जो होता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। ठीक है, here we talk about both in English and Hindi, first in English and second in Hindi. Phosphorus deficiency, second is macro deficiency is phosphorus. Phosphorus deficiency leaf deficiency appear leaves appear dark green with purplish hues. Plants may have reduced flower and fruit and development. जो फॉस्फोरस की जो डिफिशियंसी हो जाती है उसमें डार्क ग्रीन का पर्पल जैसे यूज हो जाते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और फ्रूट का डेवलपमेंट जो होता है अभी तो जो स्ट्रॉबेरीज वगैरह होती हैं, अगर फ्लावर्स नहीं आएंगे तो हमारी जो फ्रूट्स की ग्रोथ है वो लेस रहेगी, कम रहेगी। एंड सेकंड इज पोटेशियम, पोटेशियम डिफिशियंसी लीफ मार्जिन में शो स्कॉर्चिंग ऑन बर्निंग एंड ओल्डर लीव माइट डेवलप येलो स्पॉट्स और एड्स। जो पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है जो हमारी लीव्स जो होती हैं वो स्कॉर्चिंग हो जाती है, जलने जैसी, जैसे एक जल जाता है पौधा उस टाइप से हो जाती है, झुलसता जाना एकदम। ठीक है, और ये डिफिशियंसी हमें ओल्डर लीव्स में ज्यादा देखने को मिलती है, और येलो टाइप के स्पॉट हो जाते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी हम देखते हैं न्यू इफ वी सीन कैल्शियम डिफिशियंसी इन दी प्लांट यू सीन लीफ मार्जिन में शो स्कॉर्चिंग और बर्निंग, सॉरी सॉरी, न्यू लीव्स में भी डिस्टॉर्टेड और हैव कर्ल्ड एज एंड ग्रोइंग टिप्स में डाई बैक। जो प्लांट्स की जो सबसे ऊपर वाली टिप्स होती है जो न्यू लीव्स ग्रो होती हैं उसमें जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होने से वो डाई बैक हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं होती और ब्लैक होके एकदम सड़ सड़ सड़न जैसी बीमारी होती है, खत्म हो जाती है ऊपर से जो उसकी पत्तियां होती हैं। सेम मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। If we talk about magnesium deficiency in the plant, intervenient chlorosis symptoms appear. If we talk about sulfur deficiency, young leaves turn pale green or yellow. And if we talk about iron deficiency, young leaves show intervenient chlorosis while veins remain green. ठीक है, often seen in new growth. And same categories like micronutrients have own symptoms which show on the plant. तो ये सारी डिफिशियंसीज होती हैं जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो हमें पता चलती हैं कि ये सिम्टम्स आ रहा है तो हमें ये डिफिशियंसी हो रही है, तो हम वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं अगर हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट चेक पीएच एंड ईसी। वी शुड ग्रो दोज crop only which is the pH and EC is flexible to those crop, and second is after taking one crop, okay, the nutrient should be flush. We will give new nutrients to the new plants, not use old nutrient, old nutrition for the new plants. Third is if you seen अगर आपको पौधे पे कुछ खराबी दिख रही है तो हम जो है क्यूक एक्शन के लिए फोलियर स्प्रे यूज करते हैं। उसका जो फोलियर स्प्रे है वो इमिडिएट एक्शन लेता है जिससे कि जो डिसीज है वो मेंटेन हो सके, एकदम कंट्रोल हो सके। और टाइम टू टाइम वी शुड चेक रूट जोन इश्यूज बिकॉज द प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट, तो फिर सो वी
seen time to time roots which is good or bad. Monitor programs is compulsory in hydroponics. And first of all, we take prevention like regular monitoring, proper pH and EC management, and following recommended nutrient solution guidelines can prevent the nutrient deficiency from occurring in the first place. Okay, guys, if you have any queries, you can ask me. ठीक है, आप किसी को जो भी मतलब चीजें जो कुछ समझ नहीं आई आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे जो है मुझे आप बताइए.